हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग आज देखने वाले हैं आज के टाइम का जो बर्निंग टॉपिक है, दैट इज कोविड-19। हम लोग देखेंगे इसके बारे में और जितना कुछ भी हमारे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होगा, केवल और केवल हम लोग उतना ही कंसंट्रेट करेंगे। वी विल फोकस ओनली ऑन द प्रिपरेशन साइड और बाकी चीजें हम लोग छोड़ रहे होंगे, स्किप कर रहे होंगे। दैट इज बिकॉज द स्टिल दिस टॉपिक इज पॉइंट ऑफ रिसर्च। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज बेस्ड ऑन कोविड-19। तो स्टार्ट करने के लिए कोविड-19 को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज अ वायरस। पहले हमें वायरस के बारे में जानना होगा। तो वायरस के बारे में अगर बात करें तो देखिए, इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज स्मॉलर देन ए बैक्टीरियम दैट कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस अपार्ट फ्रॉम अ लिविंग सेल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एक डेफिनेशन दी गई है, जहां पर यह बताया गया है कि देखिए, एक होती है जो बैक्टीरियल डिसीजेज होती है, जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया दे कैन ग्रो एंड दे कैन रिप्रोड्यूस अपार्ट फ्रॉम अ लिविंग सेल, यानी कि इसकी अपनी एक बॉडी स्ट्रक्चर होती है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग वही अगर वायरस के बारे में बात करें तो वायरस की अपनी कोई खुद की बॉडी नहीं है, दे कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस अपार्ट फ्रॉम ए लिविंग सेल, तो खुद से ये लोग नहीं कर सकते हैं। अ वायरस इन्वेड लिविंग सेल एंड यूजेस देयर केमिकल मशीनरी टू कीप इटसेल्फ अलाइव एंड टू कीप रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो हमेशा वो एक सेल को टारगेट करते हैं और उसी सेल के बेसिस पे ये लोग अपना सर्वाइवल करते हैं, ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दे मे ऑल्सो रिप्रोड्यूस विद फाइडेलिटी और विद एरर, यानी कि ये अपने आप को म्यूटेट कर सकते हैं, यानी ये अपने आप को बदल सकते हैं। अगर एक वायरस किसी एक व्यक्ति में किसी अलग तरीके का सिम्टम शो कर रहा है तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति में ये अलग तरीके के सिम्टम शो करे, और इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। ये वायरस कंटिन्यूअसली म्यूटेट करते रहता है। हिज एबिलिटी टू म्यूटेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटी ऑफ सम वायरस टू चेंज स्लाइटली इन ईच इन्फेक्टेड पर्सन, मेकिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्ट। और इसी वजह से वायरस को ट्रीट कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम एक जैसे नहीं हो पाते हैं। वायरस कॉज मेनी कॉमन ह्यूमन इन्फेक्शन एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ रेयर डिसीजेस। अब देखिए, हमारे पास फ्लू टाइप की कॉमन फ्लू, सर्दी खांसी बुखार, इस टाइप का भी हमारा कॉमन इन्फेक्शन होती हैं, जो कि वायरल होती हैं, वायरस के कारण ही होती हैं, और इसके अलावा कुछ अदर रेयर डिसीजेस भी होती हैं, HIV, हेपेटाइटिस सी, SARS, तो इस तरीके की हमारी कई सारी रेयर डिसीजेस भी होती हैं, जिनके लिए हमारे पास कोई भी ड्रग्स अवेलेबल नहीं है जिसको हम लोग देख सके। इसके अलावा अगर बात करें इसके थोड़े जेनेटिक मटेरियल की ओर, तो वायरस मे कंटेन ईदर DNA और RNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल, एंड विथ दिस DNA एंड RNA दे अटैक ऑन ह्यूमन सेल एंड कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट, म्यूटेट एंड चेंज द ह्यूमन सेल। और इस तरीके से ये ट्राई करते हैं किसी एक ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करने की। तो RNA वायरस मे हैव एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दैट परमिट द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ DNA टू RNA टू बी रिवर्स्ड सो दैट द वायरस कैन मेक अ DNA वर्जन ऑफ इटसेल्फ। मतलब यहां पर देखिए, RNA क्या करता है, कंटिन्यूअसली अपने आप को चेंज करता है, और ये चेंज इस तरीके से करता है ताकि वायरस अपना खुद का एक DNA वर्जन बना सके। और यहीं से स्टार्ट होती है कहानी किसी एक पर्सन की इम्यूनिटी सिस्टम लेवल कैसी है। अगर उसकी इम्यूनिटी सिस्टम काफी अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो ये mRNA जो मैसेंजर RNA कन्वर्ट कर रहे होंगे, वो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से जो DNA का वर्जन क्रिएट कर रहा है ये वायरस, ये क्रिएट नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो इन्फेक्ट नहीं होने पाएगी। तो यहां से जो ह्यूमन का इम्यूनिटी लेवल है वो लिंक हो रहा होता है किसी एक बंदे के DNA या RNA से। रिसर्चर हैव ग्रुप्ड वायरस इनटू सेवरल मेजर फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर शेप, बिहेवियर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस वायरस को देखा जाता है माइक्रोस्कोप के जरिए, और उसके जरिए देखा जाता है कि क्या इसका शेप है, क्या इसका बिहेवियर है, या इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसी के बेसिस पे इसको नाम दिया जाता है।
अगर हम लोग देखें वायरस का एक स्ट्रक्चर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर जहां पर ये हमारी डीएनए वायरस हो जाती है और ये हमारी आरएनए वायरस हो जाती है। अगर आरएनए वायरस के बारे में देखेंगे तो यहां पर देखिए इसका खुद का छोटा मोटा एक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं जो कि आरएनए बेस्ड होगा या फिर डीएनए बेस्ड होगा, लेकिन इसकी खुद की एबिलिटी नहीं होती है कि ये ग्रो कर सके या फिर ये रेप्लिकेट कर सके, तो इसके लिए ये ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्ट करता है। तो इन्हीं सब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एक बड़ा डिसीज हमारा 2002 में निकल करके आया था जिसका नाम था सार्स। काफी ज्यादा ये न्यूज में था लेकिन काफी लिमिटेड टाइम के लिए था। हम लोग कोशिश करेंगे इसको देखने की आखिर में ये सार्स क्या है, कैसे फैला और क्या हुआ, कैसे ये एंड हुआ, और फिर हम लोग इसके जरिए कोशिश करेंगे कोविड 19 को समझने की। तो अगर सार्स के बारे में जाने तो पहले तो सार्स का पूरा नाम आप समझ लीजिए, इसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बारे में अगर देखें तो ये इसकी फिगर है, दिस इज बेसिकली स्कीमेटिक ड्राइंग ऑफ सार्स कोरोना वायरस, जिसको कि नाम दिया गया था सार्स कोविड 1 और इस वे का जो वायरस है उसका नाम है सार्स कोविड 2। अभी हम लोग आगे के स्लाइड्स में इसको देखेंगे भी। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि दिस इज बेसिकली आरएनए बेस्ड वायरस, और जो आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं एज कंपेयर टू डीएनए वायरस। क्यों? क्योंकि दे डेवलप देयर ओन डीएनए वर्जन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के कारण से ये चीजें निकल के आ रही होती हैं और इस कारण से काफी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। अब ये म्यूटेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहेगा, जिसके इम्यूनिटी लेवल काफी अच्छी रहेगी उसमें रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन जिसमें इम्यूनिटी लेवल कम रहेगी उसमें रेप्लिकेशन काफी तेजी से होगा और वो बॉडी उतना ही ज्यादा इन्फेक्ट हो जाएगी। आगे अगर बात करें तो देखिए सार्स कोरोना वायरस इज अ वायरस आइडेंटिफाइड इन 2003। सार्स कोवी मतलब कोरोना वायरस ये भी है, इज थॉट टू बी एन एनिमल वायरस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा यहां पर चीजें क्या निकल के आई है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सोल्यूशन वही होता है जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो हम लोग जरा चलते हैं अपने प्रॉब्लम के पास में और जरा खोजने की कोशिश करते हैं कि यह सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखिए सार्स कोवी 1 2003 में स्टार्ट होता है एंड इट इज थॉट टू बी एन एनिमल वायरस फ्रॉम एज एन येट अनसर्टेन एनिमल। तो देखिए उस समय भी ये क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली ये कौन सा एनिमल है, तो केवल और केवल आपको एक आइडिया लगाई जाती है, एक केवल और केवल परसेप्शन लिया जा रहा है कि क्या हो सकता है। तो दिस इज परहैप्स बैट, शायद ये बैट हो सकता है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। दैट स्प्रेड टू अदर एनिमल जो कैट के फैमिली से या फिर अदर इन्फेक्टेड ह्यूमन, तो इस तरीके से इन्फेक्ट होता है। लेकिन वन थिंग इज वेरी सर्टेन हियर कि ये स्टार्ट होता है साउथ चाइना से, और साउथ चाइना अगर आप देखेंगे तो दिस इज बेसिकली कोस्टल। अब आगे जब बढ़ेंगे देखेंगे कि क्या हुआ, तो एन एपिडेमिक ऑफ सार्स अल्टीमेटली अफेक्टेड 26 नेशंस एंड रिजल्टेड इन मोर देन 8,000 केसेस इन 2003। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि ये केस उतना ज्यादा तो नहीं फैला एज कंपेयर टू टूडेज, लेकिन ये 26 कंट्री में चला गया था। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है अगर आप इस पे आएंगे तो देखिए रीजन वाज दैट कि उस समय इकोनॉमी उतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड एक साथ कनेक्टेड है, लोग आ जाते रहते हैं, गुड्स का आदान प्रदान होते रहता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ 2003 उस समय इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं थी, ट्रांसपोर्ट लिंक इतने डेवलप्ड नहीं थे, चीजें महंगी थी, तो उस समय का केस कुछ अलग था और उस समय रेप्लिकेट न कर पाने के पीछे रीजन शायद यही हो सकता है। सिंस देन अ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस हैव अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लैब एक्सीडेंट। अब देखिए ये जो भी डॉक्यूमेंट है मैंने आपको सोर्सेज पहले ही दिखा दिए कि जो सोर्सेज हैं केवल और केवल मैं उन्हीं के थ्रू बात कर रहा हूं एंड दीज सोर्सेज आर वेरी ऑथेंटिक। अब देखिए ये कहीं ना कहीं लैब एक्सीडेंट के कारण से भी निकल सकता है लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है, और पॉसिबली थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन। तो अभी जितनी भी चीजें बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी केवल एक्सपेक्टेड है, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ सार्स कोवी इज प्राइमरली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट अपीयर्स टू हैव अकर्ड मेनली ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ इलनेस, यानी ये भी 14 डेज का टाइम ले रहा है अपनी सिम्टम को शो करने के लिए, विच करेस्पॉन्ड्स टू द पीक ऑफ वायरस एक्सक्रीशन इन रेस्पिरेटरी सिक्रेशन एंड स्टूल एंड व्हेन केसेस विद सीवियर डिसीज स्टार्ट टू डिटेरियरेट क्लिनिकली।
तो बेसिकली यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी सेम प्रॉब्लम शो हो रही है, यहां पर भी प्रॉब्लम रेस्पिरेशन से ही शुरू हो रही है। आगे बात करें तो सिम्टम्स आर इन्फ्लुएंजा लाइक इंक्लूड फीवर, मैलेज, मैलेरिया, हेडेक, डायरिया, तो शिवरिंग, तो ये सब सिम्टम जो नॉर्मल आपको एक कॉमन फ्लू में दिखते हैं वही यहां पर भी देखने को हमें मिल रही थी। नो इंडिविजुअल सिम्टम और क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स हैज प्रूव्ड टू बी स्पेसिफिक फॉर ए डायग्नोस्टिक्स फॉर सार्स। तो यहां पर हमें कोई ऐसा सिम्टम दिख ही नहीं रहा था जिसके बेसिस पे हम ये बोले यार ये वाली दवा इसको दे करके हम लोग इसको सही कर सकते हैं। पहली चीज प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि प्रॉब्लम रेप्लिकेट कर रही थी, पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स अलग शो हो रहे थे, पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी लेवल अलग निकल रहे थे, तो एज पार्ट ऑफ रिजल्ट डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी। Although fever is the most frequently reported symptom, it is sometimes absent on initial measurement. शुरुआत में पता ही नहीं चल रहा था, चीजें पता ही नहीं चल रही थी कि एक्चुअल में SARS हुआ भी है या कॉमन फ्लू है या क्या चीज है। तो जो प्रॉब्लम थी वो पहले भी छिपी हुई थी, प्रॉब्लम अभी भी छिपी हुई है। इट इज समटाइम एबसेंट ऑन इनिशियल मेजरमेंट एंड स्पेशली इन एल्डर एंड इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट, तो जिसमें इम्यूनिटी लेवल नहीं आ रही थी उसमें इस तरीके की चीजें देखने को हमें मिल रही थी। द डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन 2002-2003 एपिडेमिक। द डिसीज अपीयर्ड इन नवंबर 2002 एंड गुंगवांग प्रोविंस ऑफ सदर्न चाइना। दिस एरिया इज कंसिडर्ड एज पोटेंशियल जोन ऑफ री इमरजेंस ऑफ सार्स कोवी। तो बाद में ऐसा बोला गया कि देखिए जो रीजियन है यहां से फिर से कोई दूसरा सार्स कोवी जरूर निकल सकता है, इसलिए वी नीड टू मेक आवर सेल्फ प्रिपेयर्ड। लेकिन समय 15 साल हो गया, लंबा चौड़ा समय हो गया और लोग भूल गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि अगर हम लोग एक पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को देखें कि किस तरीके से कंट्रीज कौन कौन सी अफेक्टेड थी, तो यहां पर देखिए दो ही कंट्रीज ऐसी आपको दिखेंगी जो मोस्ट अफेक्टेड है, एक हमारी चाइना जो अफेक्टेड है और दूसरी कैनेडा। ये दो कंट्रीज ऐसे थी जो काफी अफेक्टेड थी। बाकी के बारे में अगर बात करें तो देखिए कुछ कंट्रीज थी जहां पर कोई केस नहीं था, नो केस, उसमें हमारा अगर देखें तो सेंट्रल एशिया आ जाती है, अफ्रीका आ जाती है, यूएस आ जाती है, ग्रीनलैंड वगैरह आ जाती है, तो यहां पर कोई केस नहीं था। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मल केसेस के बारे में, तो नॉर्मल केसेस देखिए 4 to 5 या 7 to 9 यह हमें देखने को मिले थे। कुछ हमें इंडिया में भी देखने को मिले थे, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में और बाकी जगहों पर देखने को मिले थे, लेकिन केसेस कुछ खास नहीं थे, बहुत ही नॉर्मल से केसेस थे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर केस देखा जाए तो हमें साउथ ईस्ट एशिया के ही कंट्रीज में हमें देखने को मिल रहा है, दोस विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस चाइना, उससे हमें डायरेक्टली हमें देख रहे हैं कि काफी ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर मोर्टैलिटी का केस देखें तो देखिए हमें कनाडा में दिख रहा है, चाइना में दिख रहा है, हांगकांग में दिख रहा है, सिंगापुर में दिख रहा है, ताइवान में दिख रहा है और बाकी जो भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो सार्स की जो बीमारी है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड थी हमारे साउथ ईस्ट एशिया के ही 20 प्लस कंट्रीज में, तो यहीं पर लोकेटेड थी और ये वर्ल्ड वाइड ज्यादा फैल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अगेन ट्रांसपोर्ट लिंक और उस समय की कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन आज की है वैसी कंडीशन वहां नहीं थी, उस समय नहीं थी और वर्ल्ड इतना फ्रिक्वेंटली कनेक्टेड नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद से अगेन इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इंडिया के बारे में, इंडिया का फर्स्ट सार केस रिपोर्टेड इन इंडिया और ये बंदा वही था जो बाहर की कंट्रीज से घूम करके आया हुआ था इंडिया में। हालांकि कुछ खास ज्यादा यहां पर केसेस आए नहीं थे, तो यहां के डॉक्टर्स ने इनको पहले क्वारंटीन किया, फिर उसके बाद से ट्रीटमेंट के बाद अल्टीमेटली इनको बोल दिया गया था कि आप 14 डे 20 डे के बाद ही किसी से मिलिएगा। और इस तरीके से इंडिया में कुछ खास केस आ नहीं पाया क्योंकि इंडिया में उस समय अगेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल ही रही थी, कुछ खास डेवलपमेंट थी नहीं, लोग बाहर थे नहीं और जो लोग बाहर थे वो इंडिया में आए नहीं थे। एंड दिस इज हाउ सार्स की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में इतना ज्यादा फैल नहीं पाई। अगर हम लोग थोड़ा सा इसके रिसर्च के बारे में देखें कि क्या चीजें हुई, तो सार्स को जब रिसर्च किया गया तो यह पाया गया कि देयर आर बेसिकली टू डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस, दो तरीके आखिर में निकल करके आए वायरस के। दो तरीके कौन कौन से थे, एक था जो कनाडा साइड में फैला हुआ था जिसका स्ट्रेन का नाम दिया गया टॉर 2 एंड दैट वाज आइसोलेटेड इन टोरंटो कनाडा, द सिटी हिट हार्डेस्ट इन द वेस्ट बाय द एपिडेमिक। और जो दूसरी थी उसका स्ट्रेन का नाम दिया गया था अरबानी, तो अरबानी जो स्ट्रेन का नाम दिया गया था वो बेसिकली था जो साउथ ईस्ट एशिया के एरियाज में फैला हुआ था एंड दिस वॉज सिक्वेंस्ड बाई यूएस सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिसीज इन एटलांटा जॉर्जिया।
इट इज अ कॉमन स्ट्रेन इन एशिया विद द नेम ऑफ कार्लो अर्बनी हु वाज एन इंफेक्टिशियस डिसीज स्पेशलिस्ट इन द WHO. तो जो WHO में काम करने वाला स्पेशलिस्ट था उसी को उसका नाम ही यही था और उसी के नाम से ये फैल गया इन द वियतनाम सिटी दैट इज हनोई कैपिटल में. He helped to identify the disease as a coronavirus, लेकिन वो नहीं बचा and he died. फिर क्या होता है? The difference between two strains क्या है? तो देखिए इन दोनों strains के बारे में जब और research किया गया तो ऐसा पाया गया कि दोनों में देखिए कुछ खास अंतर नहीं है, बहुत ही normal सा अंतर है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है कि one is the mutated form of other, यानी कि ये virus भी mutate कर रहा था, लेकिन इसके साथ case ये हुआ, ये ज्यादा टाइम तक रहा नहीं और इस वजह से म्यूटेशन के जो तीसरा स्ट्रेन हो सकता था वो निकल के नहीं आया. लेकिन ये नहीं आया इसका मतलब ये नहीं था कि एक्चुअल में नहीं आया. एक्चुअल में इट वाज आवर इनएबिलिटी टू प्रूव दैट, हम लोग इसको खोज नहीं पाए. तो इसलिए कहा गया एज मोर स्ट्रेन्स वर सीक्वेंस द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम विल प्रोवाइड वाइटल क्लूज टू द रेट ऑफ म्यूटेशन. तो हमें आगे पता चला कि रेट ऑफ म्यूटेशन इसकी हाई है और हमें कई सारे और स्ट्रेन्स मिल सकते हैं. Although other known coronaviruses have been allocated in one of three stereotypes, both team of microbiologists believe the new virus belong to a fourth category of its own. तो जो two strains थे basically वो चार तरीके में बदल गए और हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से चीजें हो गई जो हमारी research की inability थी. The structural difference from other coronavirus and the lack of evidence of recombination suggest that the SARS virus is not a result of other virus swapping DNA with a previously benign coronavirus that already lived unnoticed in the human. तो ऐसा बोला गया कि देखिए ये human में पहले से ही है, बस इसको aggravate किया जा रहा है by this virus. लेकिन again, it was our inability. ये हमारी कमी थी कि हम लोग research नहीं कर पाए. लेकिन one thing for sure कि आखिर में ये virus जो 2002 में हुआ है, South China से हुआ है, ऐसा बोला गया कि ये virus देखिए in future फिर से आएगा. हमें वापस से केयरफुल रहने की जरूरत है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो SARS है वो खत्म कैसे हुआ. तो इन 2003 WHO responded to an outbreak of new infectious disease that caused tremendous social, political and economic disruption in many countries across the world. इन्होंने फिर बोला कि देखिए जितने भी इंटरनेशनल ट्रेवल्स हैं वो हमें रोकनी पड़ेंगी आज के लिए, क्योंकि एक ऐसा वायरस फैला है जो आउटब्रेक जिसकी काफी ज्यादा है. एंड दिस इज हाउ द थिंग्स गोज ऑन, जहां पर चीजें अब रुक गई थी, ट्रैवल हमारा रुक गया था. अ रैफ्ट ऑफ मेजर्स वर टेकन टू कंटेन द आउटब्रेक. दीज इंक्लूडेड आइसोलेटिंग SARS पेशेंट एंड क्वारंटाइन पीपल हु हैड बीन एक्सपोज टू द वायरस. तो उस समय भी वही किया गया जो आज के टाइम पे किया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा था और लोगों को अलग किया जा रहा था ताकि ये वायरस फैले ना. विद द टाइम धीरे धीरे चीजें चेंज हुई और चीजें खत्म होना शुरू हो गई, लेकिन SARS वायरस खत्म नहीं हुआ. और ऐसा कहा गया कि द न्यूज साइट्स एट द वायरस हैज नॉट बीन सीन सिंस, लिविंग पीपल टू वॉन्डर वेयर डिड SARS गो, वॉज इट ट्रू वैनिस्ड एंड माइट इट एवर रिटर्न. और एक क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में आ गया था, क्या ये वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है. फिर उसके बाद से आता है दिसंबर 2019 और उस तरह ये हमारे पास केसेस आना शुरू हो जाते हैं, जहां पर नंबर ऑफ केसेस आना शुरू हो जाते हैं हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से. और ये जो वायरस जो निकल के आता है, ये जो पूरी की पूरी कहानी निकल के आती है, वो आती है इस वायरस की, दैट इज कोरोना वायरस COVID-19. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा COVID-19 के बारे में, फटाफट जरा देखेंगे कि चीजें क्या है. तो SARS-CoV-2 ये स्टार्ट होती है कहानी दिसंबर 2019 से. द वायरस वॉज नेम्ड बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, वैक्सीन एंड मेडिसिन. वायरोलॉजिस्ट एंड अदर वाइडर साइंटिफिक कम्युनिटी डू दिस वर्क, सो वायरस आर नेम्ड बाई द इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस. और इसका प्रोविजनल नाम दिया गया 2019 नोवेल कोरोना वायरस. बाद में इसको चेंज करके SARS-CoV-2 भी बोला गया, जो कि इसका एक्चुअल नेम बोला गया. कंट्रोवर्सी ऑफ स्पेनिश फ्लू. एक्चुअल में हुआ क्या कि बहुत सारे नेशंस कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कह करके बोलना शुरू कर दिए, लेकिन हमें कुछ क्लियर नहीं है क्या चीज है कैसे है. एक्चुअल में हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1917 से 1929 के बीच में अगेन इसी तरीके का एक वायरस फैला था और वो वायरस यूरोपियन कंट्री में फैला था.
लेकिन उस समय की कंडीशन वॉर लाइक कंडीशन थी, जिसके कारण से लोगों ने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया, लेकिन ध्यान दिया गया पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा। और स्पेन और पुर्तगाल ने बेसिकली डिक्लेयर किया कि देखिए एक नया वायरस फैला हुआ है जिससे बच के रहने की जरूरत है, और इस तरीके से उसका नाम पड़ गया स्पेनिश फ्लू। लेकिन इस स्पेनिश फ्लू की आइडेंटिटी फ्लू कम स्पेनिश ज्यादा रह गई, और स्पेन को काफी ज्यादा इस तरीके से क्रिटिसिज्म सहना पड़ गया। तो WHO ने बाद में ऐसा अपने आप से डिसाइड किया कि देखिए हम लोग इन फ्यूचर कभी भी किसी भी वायरस का नाम अब किसी कंट्री के नाम पे नहीं रखेंगे, अदरवाइज कंट्री को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। एंड दिस इज हाउ जो हमारा वायरस का नाम है वो COVID-2 पड़ता है, SARS-CoV-2, न कि चाइना वायरस। अब इसके बाद से ये हमारी है कोविड वायरस के बारे में, जो कि अगेन क्या है, एक RNA वायरस है। इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये हमारी एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे RNA का एक रूप निकल के आता है, वायरस का स्ट्रक्चर निकल के आता है, जहां पर क्राउन फॉर्मेट में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और नाम पड़ जाता है इसका, कोरोना वायरस। COVID-2 के बारे में अगर हम लोग और देखें तो देखिए इट हैव बिकम द मेजर पैथोजन ऑफ इमर्जिंग रेस्पिरेटरी डिजीज आउटब्रेक, जो कि SARS में भी हुआ था। दे आर अ लार्ज फैमिली ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, जिसको कि हम लोग प्लस SS RNA भी बोलते हैं, दैट कैन बी आइसोलेटेड इन डिफरेंट एनिमल स्पीसीज। तो डिफरेंट एनिमल स्पीसीज से निकाला गया, आइसोलेट किया गया है, इसीलिए ऐसा बोला जा सकता है कि ये वायरस भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एनिमल से ही आया हुआ है। फॉर रीजन येट टू बी एक्सप्लेन, दीज वायरस कैन क्रॉस स्पीसी बैरियर एंड कॉज इन ह्यूमन इलनेस रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर सिवियर डिसीज सच एज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है एंड SARS। तो इस तरीके से दो डिसीजेस के बेसिस पे ही बोला गया कि ये भी सेम सिम्टम शो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली दीज लेटर वायरस हैव प्रोबेबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैट्स, अगेन इट इज अ प्रोबेबल केस, कोई भी कंफर्म केस नहीं है। एंड देन मूविंग इन टू अदर मेमेलियन होस्ट, हिमालयन पाम सिवेट फॉर SARS-CoV एंड डॉर्मिटल कैमल फॉर MERS-CoV। तो इस तरीके से अलग अलग डिसीजेस में अलग अलग रीजन में पहुंच गया। द डायनेमिक्स ऑफ SARS-CoV-2 आर करेंटली अननोन एंड देयर इज स्पेकुलेशन दैट इट हैज ऑल्सो एन एनिमल ओरिजिन। तो अभी भी इस पे रिसर्च करने की जरूरत है, अभी भी हमें कुछ भी कंफर्म न्यूज नहीं है। द वायरसेस आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट वैक्सीन एंड मेडिसिन। वायरोलॉजिस्ट एंड द अदर साइंटिफिक कम्युनिटी डू दिस वर्क, सो वायरस आर नेम्ड बाय द इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके की चीजें पूछी जाती है, वायरस की टैक्सोनॉमिक नेमिंग कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमिक डेफिनेशन ये हो जाती है। बाकी इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारी कुछ फ्लू का स्ट्रक्चर है, जहां पर आपको कोरोना वायरस के बारे में बताया गया है, सीजनल फ्लू के बारे में बताया गया और कॉमन कोल्ड के बारे में बताया गया है, इसके सिम्टम के बारे में बताया गया है। तो अगर आप सिम्टम देखेंगे तो बेसिकली ये मोर ऑर लेस आपको सेम से सिम्टम दिखेंगे जो सीजनल फ्लू और कॉमन फ्लू में होते हैं, बट यहां पर थोड़े से सिम्टम थोड़े से कह लीजिए हायर वर्जन में होते हैं, बट सारी सेम चीज होती है। इनका जो इंक्यूबेशन होता है, मतलब देखने को मिलेगा, 1 to 14 days में मिलेगा, बाकी लोगों की काफी कम दिन में देखने को मिल जाती है। बाकी इसके बाद से इसके रेप्लिकेशन क्या क्या है, कैसे है, हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। लेकिन एक चीज यहां पर काफी कंसर्निंग है, और वो ये है कि 7 kinds of coronavirus या फिर 7 strains of coronavirus हैव बीन डायग्नोज्ड, और ये चीज निकल के आती है हमारे इस न्यूज से, 7 strains of coronavirus एंड अननोन्स ऑफ COVID-19। ये अभी तक की न्यूज है, हो सकता है कि आगे और बढ़ सके। ये अगर हम लोग देखें पूरा स्प्रेड कहां पर कितना है, तो दिस इज द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो एशिया का ये केस है, ये वर्जन काफी ज्यादा इन्फेक्टेड है, यूरोपियन वर्जन इन्फेक्टेड है और अमेरिका का वर्जन इन्फेक्टेड है। और टिल टुडे अगर हम लोग बात करें, ये सारे केसेस हैं जहां पर लगभग इतने डेथ्स, इतनी रिकवरी और इतने केसेस हम वर्ल्ड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी हमारी समरी थी कोविड के बारे में। कोविड का अगर बात करें कि स्प्रेड क्या हुआ, कैसे हुआ, तो देखिए सिंगल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन है, और वो है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस हमारी ही रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे के पूरे केस को, इस पूरे के पूरे कोविड को फैलने के लिए, जहां पर इग्नोर किया गया और अल्टीमेटली रिजल्ट आप देख ही सकते हैं क्या रिजल्ट देखने को हमें मिल रही है। तो ये थी हमारी पूरी COVID-19 की पूरी सीरीज, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिला होगा। इसके अलावा देखिए काफी कुछ अगेन रिसर्च को है, बट दिस इज ऑल थिंग अबाउट आवर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन ऑल्सो राइट योर डाउट्स ऑन recognitionis@gmail.com। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कोविड का क्या केस है, किस तरीके से हम लोगों ने उसको टैकल किया है, और हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।